हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वलीद और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने आर्टिकल पोस्टिंग ऐप को कंटिन्यू करेंगे और होम पेज के ऊपर काम करेंगे जहां पे हमने आर्टिकल्स सब आर्टिकल्स को फेच करना था अपने स्टोरेज से। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूं अपने होम पेज के ऊपर और यहां पे मैंने आइनिक लैब को भी स्टार्ट किया हुआ है। तो जब तक ये आइनिक लैब स्टार्ट होती है, हम अपने होम पेज के ऊपर आके चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं जो कि हमारी नेसेसरी हैं स्टोरेज से डाटा गेट करने के लिए। तो सबसे पहले होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो स्टोरेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जो कि हम ऐड पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोरेज यूज़ किया, इस स्टोरेज की डिपेंडेंसी को भी यहाँ इंक्लूड करवा लेते हैं। और जैसे ही हम स्टोरेज को यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्रिएट मेथड से उसे कॉल भी करवाना पड़ता है उस पेज के अंदर जहाँ पे हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने होम पेज के ऊपर आइनिक लैब भी रन होगी। होम पेज के ऊपर आके आयोन व्यू विल एंटर के लाइफ साइकिल इवेंट को एक्सेस करता हूँ। लाइफ साइकिल इवेंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आइनिक के, आप वो भी ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट फेच पोस्ट और फेच पोस्ट का एक फंक्शन है जो कि मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। यानी जैसे ही हम इस पेज के ऊपर एंटर करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेच क्या करना चाह रहा हूँ असल में, मैं एक यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ। नंबर वन पोस्ट की अरे बना ली मैंने और उस अरे को मैं यहाँ पे पहले आके एम्प्टी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि स्टोरेज से वैल्यूज को गेट करता हूँ, गेट पोस्ट अरे जो कि हमने ऐड करते टाइम पे, देखें आप यहाँ पे ऐड करते जब हमने ऐड किया था आर्टिकल को तो हमने यहाँ पे दिस डॉट स्टोरेज डॉट सेट पोस्ट अरे के अंदर सेट किया था, तो वहीं से हम फिर गेट भी करेंगे। तो ये हमने चेक कर लिया पहले क्या चीज हमने जो है स्टोरेज में सेव कराई हुई थी, और जो भी चीज हमने सेव कराई हुई थी उसको दिस डॉट पोस्ट अरे के इक्वल में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश होता है तो यहाँ पे आइनिक लैब चेक करते हैं। पहले आइनिक लैब के ऊपर ये जो पोस्ट अरे आई है उसके अंदर एक अरे है जिसके अंदर तीनों चीजें जो हमारी एम्प्टी पड़ी हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें फिलहाल हमारी एम्प्टी हैं क्योंकि ये आइनिक लैब है तो इसके ऊपर इस तरह रिजल्ट शो करवा रहा है। हालांकि हमने एक आर्टिकल डाला है लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन वो हमने अपने मोबाइल से डाला है। तो बजाय इसको आइनिक लैब पे रन करने के, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोरेज क्लियर कर देता हूँ। फेच पोस्ट करते हुए स्टोरेज को एक दफ़ा मैं क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से मैं आर्टिकल्स को ऐड करता हूँ और फिर हम देखते हैं मोबाइल पे रन करके दिस डॉट पोस्ट दिस डॉट स्टोरेज डॉट रिमूव पोस्ट अरे, ठीक है। ये हमारा रिमूव हो गया एक दफ़ा और यहाँ पे मैं आके दोबारा से इसको अब अपने मोबाइल के ऊपर रन करता हूँ। तो मोबाइल पे ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे हम अब क्या करते हैं कि अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये हमने कंसोल ओपन कर लिया, कंसोल के अंदर देखें फिलहाल हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो कि हमारे मोबाइल में थे। तो गुड आर्टिकल एक का टाइटल रखा था, ये डिस्क्रिप्शन रखा था, एक का टाइटल पोल्यूशन, दूसरे का ओशन। तो अभी होम पेज के ऊपर कोई भी चीज़ फैच नहीं हो रही, तो होम पेज के ऊपर आके हमने यहाँ पे शो करवानी है सारी पोस्ट जो कि हमारे पास स्टोरेज से गेट हुई हैं। तो ये पोस्ट अरे के अंदर सब कुछ आया। तो हम क्या करते हैं कि इस ये जो हमारी पूरा डिव है, इस पूरे डिव के ऊपर यहाँ आके मैं लूप लगा देता हूँ ng for let post of post। तो ये पोस्ट वो अरे है और ये एक हमारा सैम्पल वेरिएबल है। इधर आप सैम्पल लिख दें, कुछ भी लिख दें। मैंने ng for के बारे में बताया हुआ है अपने एक वीडियो के अंदर, बेसिक्स के अंदर, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल के ऊपर। और यहाँ पर मैंने क्या चीज़ शो करवानी है, पोस्ट डॉट फोटो शो करवानी है यहाँ पे मैंने। इसके अलावा इधर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन शो करवाना है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं पोस्ट डॉट टाइटल, बल्कि यहाँ टाइटल शो करवाना है और डिस्क्रिप्शन हमने होम पेज पे शो नहीं करवाया। तो ये देखें रिफ्रेश हुआ है और हमारे मोबाइल के ऊपर तस्वीर आ गई है और उसके अलावा
डिस्क्रिप्शन आ गया, वो टाइटल आ गया, फिर तस्वीर आई है, फिर उसका टाइटल आ गया। तो इसी तरह एक और मैं अपलोड कर लेता हूँ आर्टिकल, और यहाँ पे आर्टिकल ऐड करता हूँ, कोई गैलरी से तस्वीर बना लेता हूँ। ये हमारे पास फोटो आ गई। न्यू आर्टिकल, इसको सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास सेव भी हो गया और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास ये आ भी गया। तो नेक्स्ट स्टेप, अब हमने ये करना है कि हमारे पास जिस आर्टिकल के ऊपर हम क्लिक करें तो हम उस पेज के ऊपर जाएं और उसके रेलेवेंट डाटा हमें वहाँ पे शो भी हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये काम करेंगे कि हम अपना अपना पोस्ट डिटेल्स का पेज भी बनाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।